हरे कृष्णा जय श्री गुरु गौरांग गंधर्व गिरधार श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। बलदी सुभद्रा जगन्नाथ से सुदर्शन जी की जय। कृष्ण बलराम की जय। गौर गोपाल की जय। पंचत्वात्मा श्री गौर हरि की जय। पतित पावन परम करुणा में परमाराध हम विष्णु पाद सवार से श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई गुरु महाराज की जय। नित्रिला पृष्ण विष्णु पाद सवार से श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी परम गुरुदेव की जय। नित्रिला पृष्ण विष्णु पाद सवार से श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। विश्वनाथ चौपती ठाकुर की जय। नरोत्तम ठाकुर महाशय की जय। रूपानु गुरुवर की जय। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छठ गोस्वामी प्रभु की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव साधु श्री गौर भक्त वृंद की जय। गंगा देवी जमुना देवी सरस्वती देवी की जय। भक्ति देवी की तुलसी महारानी की प्रहलाद महाराज की जय। सर्वविघ्न विनाशनकारी श्री नरसिंह भगवान की जय। जय नित्रिला पृष्ण विष्णु पाद सवार श्री भक्ति प्रमोद प्री गोस्वामी महाराज की जय। नित्रिला पृष्ठ विष्णु पाद सवार से श्री भक्ति गुम संत गोस्वामी महाराज की जय। नित्रिला पृष्ठ विष्णु पाद सवार श्री भक्ति संत त्रिविक्रम महाराज की जय। जय नित्रिला पृष्ठ विष्णु पाद सवार श्री भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी महाराज की जय। नित्रिला पृष्ठ विष्णु पाद सवार श्री भक्ति निकेतन तुर्जस्वी गोस्वामी महाराज की जय। पूज्य पाद गुरुवर की जय। पूज्य पाद निपाद गण की जय। मठवासी भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरिनाम प्रभु हरिनाम संकीर्तन गौरी वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमल श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपम सागर जातम सहगन रघुनाथान्वितम तम सजीवनम सद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करये दासे त्रिनाते खाते ना सकल सहने बल दिया कर सकल सहने बल दिया कर निज माने स्प्रिहना सकल सम्मान करीते सकती सकल सम्मान करीते सकती देहनाथ जथ जथ तभी तो गाइब हरि नाम सुखे तभी तो गाइब हरि नाम सुखे अपराध विहत कभी हे न कृपा लभिया ये जान कृतार्थ है विनाथ शक्ति बुद्धि हीन अमी अति दे शक्ति बुद्धि हीन अमी अति दे करमो रे आत्मसाथ योग्यता विचारे किछु नाही पार तुम्हारा करुणा सार करुणा ना हईले कदिया कदिया कनना राखी बार करुणा ना हेले कदिया कदिया कनना राखी बार जय गुरु देवा जय गुरु देवा 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंद
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद जय बार करुणा कर वैष्णव गोसाई पते पावन तोमा बिना के नाए कारने कटे गेले पाप दूरे जा एमान दयालु प्रभु सेवा को थपा गंगार पर सहले कसाते पावना दर्शन पवित्र कर ए तुमार गुना हरि स्थान अपराधे तारे हरि नाम तुमा स्थान अपराधे नहीं कहलाना तुमार हृदय सदा गोविंद विश्रामा गोविंद कहे नाम वैष्णव पराना प्रति जन करी आशा चरण रधूली नरो तमे कर दया अपन हर बली प्रति जन्मे करी आशा चरण रधूली नरो तमे कर दया अपन हर बली दयाल वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर कृष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर कृष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर कृष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम 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 जय जय ब्रज मन जय जय ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 मोर मुकुट मकराकृत कुंडल गल वैजंती माँ मोर मुकुट मकराकृत कुंडल गल वैजंती माँ चरणन नुपुर रसाल राधे श्याम 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 जय जय ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम 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 सुंदर बदन कमल दल लोचन पाखी चितवनहारी सुंदर बदन कमल दल लोचन बाकी चितवनहारी जय मोहन बंसी बिहारी राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 जय ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम 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 वृंदावन में धेनु चरावे गोपी जन मन हारी वृंदावन में धेनु चरावे गोपी जन मन हारी श्री गोवर्धन धारी राधे श्याम 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 जय जय ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम 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 राधा कृष्ण मिली अब दो
गौर रूप अवतारी राधा कृष्ण मिली अब दो गौर रूप अवतारी जय जय कीर्तन धर्म प्रचारी राधे श्याम श्यामा श्याम जय जय भज मन जय जय भज जन मन सुखकारी राधे श्याम श्यामा श्याम तुम बिन मेरे और न कोई नम रूप अवतारी तुम बिन मेरे और न कोई नम रूप अवतारी जय जय करणन में बलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम जय जय ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम श्यामा श्याम जय जय ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम श्यामा श्याम हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलनेन तस्मै श्रीगुरवे नमः पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवसादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वाग्र श्री भगवान का भिन्न प्रकाश में विग्रह श्री भगवान के सेवा में अधिकार प्रदानकारी श्री भगवत ज्ञान प्रदाता पतित पावन परम करुणामय परम आराध्य तम नित्रिला प्रश्न विष्णु पाद सवाट श्री श्रीमद्भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी अहित्य कृपा प्रार्थना करता हूँ। गुरुदेव प्रसन्न हो। पूज्यपाद शिक्षा गुरुवर के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी अहित्य कृपा प्रार्थना करता हूँ। शिक्षा गुरु बर मिल प्रसन्न हो। कथा श्रवण पिपासु वैष्णविन मातृविन पितृविन सभी के यथा संवादन करते हुए सबकी प्रसन्नता चाहता हूँ। सभी लोग प्रसन्न हो। हम लोग श्रवण कर रहे हैं जीव का वास्तविक नित्य धर्म क्या है और उनका जो सामाजिक व्यवहार है किस प्रकार से लोगों के साथ होना चाहिए उस विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कल हम लोगों ने श्रवण किया था साधु संघ में ही श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न होता है और साधु संघ में जब श्रद्धा विश्वास उत्पन्न हो जाता है तब शुद्ध वैष्णव के चरणों में आश्रय लेने की इच्छा प्रकाश होती है और वहाँ से हमारी भक्ति स्टार्ट होती है। और उसके विषय में जब तक श्रद्धा नहीं होगा तब तक यह संभव नहीं है।
जिसकी श्रद्धा उत्पन्न हो चुकी है उसके विषय में बता रहे हैं कि संपूर्ण श्रद्धा जब तक होगा नहीं तब तक अनन्य भक्ति में अधिकार प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए संपूर्ण श्रद्धा के लिए क्या है उसके विषय में हम लोग कल श्रवण किए थे, आज आगे हम लोग श्रवण करेंगे। उससे पहले आप लोगों से प्रार्थना कि मैं आप लोगों से बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे पास फेसबुक में एक्सेप्ट करने के लिए आप लोगों को जगह नहीं है, इसलिए आप लोग पेज को फॉलो करें और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा तत्व को सुनने की कोशिश करें। तत्व सुनने से हमारे आत्मज्ञान प्रकाश होते हैं, इसके लिए हमें तत्व सुनना अति आवश्यक है। कल नित्यानंद दास जी ने प्रश्न किए थे कनिष्ठ भक्त दिगर उन्नति क्रम की, यानी जो कनिष्ठ भक्त हैं उनकी जो उन्नति होती है उसका क्रम क्या है। बहुत ही अच्छी प्रश्न है, इसके विषय में हरिदास बाबा जी महाराज बताते हैं। श्री मूर्तिते श्रद्धा हैया छे किंतु अनन्य कसाय व अन्य अभिलाषिता जायना। बोल यदि यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो श्री विग्रह में उनकी श्रद्धा हुई है या ठीक है, लेकिन उनके अंदर की जो तमाम प्रकार की जो कामनाएं वासनाएं भरी हुई हैं, जो देवी देवताओं की उपासनाएं रूपी चीज भरे हुए हैं, जो सामाजिक सेवाएं की जो चीजें भरी हुई हैं, जो कर्मकांड ज्ञानकांड की चीजें भरी हुई हैं, वह सारी जब तक अनन्य अभिलाषिता, उसको बोलते हैं कि जब तक ये अनन्य अभिलाषिता हृदय से नहीं जाएगी तब तक ही वह कनिष्ठ भक्त हैं। और प्रतिदिन अर्चा पूजा करें, और वह जाती तो नहीं है, ऊपर से प्रतिदिन अर्चन पूजा करते हैं और जो अन्नाभिलाषिता तुम ये दुनिया की है वह तो है ही है, ऊपर से विग्रह सेवा करते हैं और क्या करते हैं, अर्चा पूजा स्थले घटनाक्रम में अतिथि रूपे साधु समागम है, तहन साधुगण अन्य अन्य अतिथि न्याय सत्कार लाभ करें। बता रहे कि अर्चा पूजा वह करते हैं प्रतिदिन, और अर्चा पूजा के स्थान पर किसी घटना के कारणवश अतिथि रूप से साधु समागम होता है, तोहन साधुगण अनन्य अतिथि नाय सत्कार लाभ करें। उस समय साधु लोग अनन्य जो अतिथि हैं, अन्य अन्य जो अतिथि उनकी जैसा वह सत्कार को प्राप्त होते हैं। कनिष्ठ भक्त यही साधु दिगर क्रिया व्यवहार देखते थकें, तो क्या करते हैं जो कनिष्ठ भक्त होते हैं, जो साधु लोगों का व्यवहार देखते हैं, जो क्रिया है वो क्रिया को देखते हैं, तहारा जे ग्रंथ आदि आलोचना करें तहा सुनते थकें, और जो ग्रंथ आदि जो पढ़ते हैं उसी को साधु के मुख से सुनते भी हैं, सुनते सुनते व देखते देखते साधु दिगर चरित्र विशेष आदर जन्मे, मतलब ग्रंथ का अध्ययन करते करते और उसी के विषय में सुनते सुनते क्या हो जाता है कि साधु के प्रति उनकी
श्रद्धा जन्म लेती है, उनके चरित्र के विशेष वह आदर जन्म लेता है, नहीं श्रद्धा जन्म लेती है साधु के प्रति। निज चरित्र शोधन करते थकन, और जब वो देखते हैं साधु के चरित्र, साधु के आचरण, आजकल बहुत से साधु लोग ऐसे हैं जो मात्सर्य स्वभाव के हैं, इतने मात्सर्य स्वभाव के उतना तो गृहस्थ में भी नहीं मिलते होंगे मात्सर्य स्वभाव के, जितने मात्सर्य स्वभाव के मठ में हैं, मंदिरों में हैं। इसलिए तो शुद्ध साधु की बात बता रहे हैं यहाँ पर, जो शुद्ध वैष्णव हैं उनकी बात बता रहे हैं कि शुद्ध वैष्णवों के समागम को देख करके, उनके व्यवहार को देख करके, और हरिकथा में श्रवण करते हैं और शास्त्रों में पढ़ते हैं, जो पढ़ते पढ़ते उनके अंदर जो अवगुण होते हैं उसको वह शोधन करते हैं, मतलब उसको वह दूर करते हैं। क्रमे क्रमे निज कर्म कसाय व ज्ञान कसाय खर्व है, और धीरे धीरे जब शोधन करते हैं कि हमारे अंदर एक कमी है, एक कमी है, एक कमी, क्योंकि देखो कभी भी अपने से छोटे का संग करेंगे तो उसके गुण हमारे अंदर आएंगे, लेकिन अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति जो शुद्ध वैष्णव हैं, जो शुद्ध लोग हैं, मात्सर्य व्यक्ति की बात मैं नहीं बता रहा हूँ, जो दिन रात मात्सर्य में जलता रहे ऐसे व्यक्तियों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, परंतु जो शुद्ध वैष्णव हैं उनके आचरणों को देख करके, उनके व्यवहारों को देख करके ऐसे पता लगता है कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं। नहीं तो कमियां नहीं पता लगती है, शुद्ध वैष्णव के संग में पता लगता है कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या दोष हैं, सारी चीजें पता लगता है। शुद्ध वैष्णव के संग में नहीं रहने से पता नहीं लगता है। जहां पर मात्सर्य बुद्धि के साधु लोग होते हैं, निंदुक साधु लोग होते हैं, दिन रात वो किस प्रकार से लोग को ठुकाई करें, किस प्रकार से दिन रात उनके पीछे पड़े रहें, ऐसे मात्सर्य बुद्धि के साधु लोगों के संग करने से कभी भी उन्नति नहीं हो सकती। हाँ, परंतु शुद्ध वैष्णव का संग में रहने से स्वाभाविक रूप से अपने दोषों को समझ में आता है कि मेरा दोष क्या है, मेरा अपराध क्या है, मेरा दोष क्या है, सारी चीज़ें समझ में आती है। और जब समझ में आता है तो उसको दूर करने की चेष्टा की जाती है, ऐसे व्यक्तियों के संग में रह करके चेष्टाएं की जाती है, ना कि वैसे लोगों के संग में रह करके अपनी चेष्टा कुछ भी नहीं करेगा, उल्टा उनके अवगुणों को देख करके, उनकी मात्सर्य बुद्धि को देख करके, उनके निंदुक स्वभाव को देख करके बंदा वैसा ही बन जाता है। इसलिए बताया ना, संग दोष से इंसान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। संग अगर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, संग अगर ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। साधु होने से क्या, संन्यास ले लेने से क्या, लाल कपड़ा लेने से क्या कि हम साधु हो गए? जिसके अंदर कामना नहीं है, क्रोध नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य मद, ये छह प्रकार के जो दुश्मन नहीं है उसको साधु बोला जाता है। जिसके अंदर क्रोध बैठा हुआ है, दुनिया की कामनाएं बैठी हुई है, दुनिया के लालसाएं बैठी हुई हैं, दुनिया के मोह बैठे हुए हैं, दुनिया के मद बैठे हुए हैं, दुनिया के मत्सर बैठे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति कभी साधु बन सकते? मरते दम तक वो साधु नहीं बन सकते। इसलिए शुद्ध साधु संग करने से वृत्ति चेंज होती है, शुद्ध साधु संग नहीं करने से
वृत्ति चेंज नहीं होती है। एक लाख कोई चेष्टा कर ले साधु संग में हम कर लें सो ठीक हो जाएंगे, लेकिन नहीं होंगे। परंतु वास्तव में जो वास्तविक साधु हैं उनका संग अगर हम करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारी वृत्ति, हमारा आचरण स्वाभाविक रूप से चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आचरण देख रहे हैं, शास्त्र देख रहे हैं, शास्त्र को सुन रहे हैं, तब पता लगता कि नहीं ये साधु हैं, उनके प्रति श्रद्धा जन्मेगा, उनके प्रति प्रणाम करने की श्रद्धा जन्मेगा, उनके प्रति उनसे हरिकथा सुनने की श्रद्धा जन्मेगा, उनकी सेवा करने की श्रद्धा पैदा होगी। जो कुछ भी पैदा होगा उनके आचरण और उनके व्यवहार के द्वारा ही हमारे हृदय में वो चीज पैदा होगी। बहुत से ऐसे मठों में वैष्णव हैं, इन्हें की वैष्णव नहीं है, वैष्णव हैं, जिनको देखने मात्र से प्रणाम करने की इच्छा होगी, देखने मात्र से श्रद्धा उत्पन्न होगा, जिसने देखने मात्र से उनके कपड़े धोने की इच्छा करेगी, देखने मात्र से उनके हरिकथा सुनने की इच्छा करेगी, उनके मुख से हरिकथा सुनूं, ऐसे वैष्णव हैं, इन्हें की वैष्णव नहीं है। लेकिन कुछ कुछ वैष्णव इतने अभिमानी, इतने कामी, इतने क्रोधी, इतने मात्सर्य बुद्धि को अपने आप को वैष्णव अभिमान में इतना ज़्यादा ऊपर उठ जाते हैं कि अपने आप को वैष्णवता जो चीज़ है वह सर्वनाश कर देते हैं, श्रद्धा सर्वनाश कर देते हैं अपनी। जिस हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होगी उस हृदय को कठोर बना देते हैं ऐसे वैष्णव लोग। इसलिए शुद्ध वैष्णव का संग करने से स्वाभाविक रूप से ये सब चीज पैदा होगी। शुद्ध वैष्णव संग नहीं करने से कभी नहीं, क्योंकि जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। शुद्ध वैष्णव का संग करने से शुद्ध हमारे अंदर प्रवृत्ति जन्म लेगी, अशुद्ध वैष्णव का संग नहीं करने से अशुद्ध जो भी उनके अंदर क्वालिटी है वो हमारे अंदर आएगी आएगी। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना ही बहुत अच्छा है, जिससे भजन साधन हमारा ठीक से होता रहे। इसलिए बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं यहां पर, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है कि ग्रंथ में जो साधु के लक्षण हैं, जो वैष्णव के लक्षण हैं, उसको पढ़ते पढ़ते और उसके विषय में शुद्ध वैष्णव के मुख से सुनते सुनते और उनके चरित्र को, उनके आचरण को, उनके व्यवहार को देखते देखते जब आचरण अपना व्यवहार ऐसा करके दिखाते हैं तब उनके उनके प्रति आदर या श्रद्धा जन्म लेती है, नहीं तो जन्म नहीं लेती। हृदय और पत्थर हो जाता है और कठोर हो जाता है। इसलिए बता रहे हैं जब ऐसे वैष्णवों का संग करेंगे तो अपने अंदर जो दोष है, अपने अंदर जो कमियां हैं, उस कमियों को हम चेष्टा करते हैं कि इसको हम दूर कर दें। हृदय जतो शुद्ध है तो ये अन्नाभिलाषिता दूर है। जब तक बता रहे हैं कि हृदय हमारा जितना आगे बढ़ता जाएगा, शुद्ध होता जाएगा, उसी अनुसार हमारी जो तमाम प्रकार की कामनाएं हैं, तमाम प्रकार की अन्नाभिलाषिताएं हैं, वह कम होती जाती हैं। हरि कथा, हरि तत्व सुनते सुनते शास्त्र चर्चा है। हरि कथा और हरि तत्व, हरि कथा सुनते सुनते और हरि तत्व के विषय में, भगवान के तत्व के विषय में सुनते सुनते क्या होता, उससे क्या है, शास्त्रों की चर्चा हो जाती है। हरि निर्गुणत्व, हरि नामेर
निर्गुणत्व श्रवण कीर्तन आदि निर्गुणत्व विचार करते करते संबंध स्वरूप ज्ञान क्रम से वृद्धि है। यहाँ बता रहे हैं कि हरि यानी भगवान की जो भगवान निर्गुण तत्व हैं, निर्गुण तत्व हैं, निर्गुण तत्व माने जो मायावादी लोग भगवान को निर्गुण बताते वो नहीं। निर्गुण का मतलब होता है कि जो हम तीन गुणों में फंसे हुए हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में जो हम फंसे हुए हैं, इन तीनों गुण से परे उनको निर्गुण बोला जाता है। जो ये तीनों गुण में फंसे हुए उनको निर्गुण नहीं बोला जाता है। इसलिए यहाँ बता रहे हरि भगवान की जो निर्गुण निर्गुण तत्व है उसको, और नाम का हरिनाम की जो है निर्गुण तत्व है उसको श्रवण और कीर्तन आदि, जो श्रवण कीर्तन आदि जो निर्गुण तत्व है, जब उसका विचार करते करते संबंध स्वरूप भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, वह स्वरूप जब प्रकट हो जाता है, वह स्वरूप जब स्वरूप ज्ञान जब उदित हो जाता है, तब धीरे धीरे बुद्धि वृद्धि होती है। तब धीरे धीरे हमारी ज्ञान की वृद्धि होती है, बुद्धि बढ़ती है, आत्मज्ञान बढ़ता है, नहीं तो नहीं बढ़ता। इसलिए शास्त्र चर्चा जरूर करना चाहिए। इसलिए जखन संपूर्ण है तखन ही मध्यम अधिकारी उदित है। जब यह ज्ञान संबंध ज्ञान संपूर्ण रूप से हो जाता है भगवान के साथ, तब बता रहे हम मध्यम अधिकारी में प्रकट परिवर्तन हो जाते हैं। तोखने प्रकृत प्रस्तावे साधु संघ और साधु सेवा आया था के, तभी जब मध्यम अधिकारी में पहुंच जाते हैं तब हमारा जो है शुद्ध रूप से साधु का संग होता है और साधु की सेवा होती रहती है। नहीं तो उसके पहले साधु की सेवा और साधु की संग भी नहीं होता है। क्योंकि बताया कि अगर जिनके जिन जिन साधुओं के अंदर जिन वैष्णवों के अंदर कामना वासना भरी हुई है, दुनिया की मात्सर्य बुद्धि भरा हुआ है, जो छह प्रकार के दुश्मन को अपने कंट्रोल नहीं कर पाया आज तक, ऐसे व्यक्तियों का संग करके कभी भी साधु संग या साधु सेवा नहीं हो सकता। क्योंकि वहां पर श्रद्धा जो आदर्श मान सम्मान है सारा नष्ट हो जाता है। इसलिए शुद्ध वैष्णव के संग में रह करके ये सारी चीजें करते करते पता लग जाता है। जब संबंध ज्ञान उदित हो जाता है तब वहां पर मध्यम अधिकार जब प्राप्त हो जाता है तब हम क्या करते हैं, शुद्ध रूप से साधु का संग करते हैं और साधु की सेवा करते हैं। नहीं तो उसके पहले साधु सेवा करने की इच्छा नहीं होती। तखन सामान्य अतिथि है ते साधु की गुरु बुद्धि ते पृथक करियल्ला है। तब उस समय जब इस अवस्था में इंसान पहुंचता है तब उसकी क्या होती है, सामान्य जो अतिथि सेवा सामाजिक रूप से जो अतिथि सेवा हम करते हैं उससे ऊपर उठ करके साधु सेवा में साधु में क्या होता है, गुरु बुद्धि उत्पन्न होती है और जो सामाजिक अतिथि सेवा से उससे अलग उठ करके अलग हो करके साधु सेवा करते हैं, उनकी साधु सेवा में श्रद्धा उत्पन्न होती है। नहीं तो इतनी आसान नहीं है। नित्यानंद जी प्रश्न करते हैं, अनेक कनिष्ठ भक्तेर उन्नति है ना, ताहर कारण की स्वाभाविक रूप से प्रश्न कर रहे हैं कि बहुत से कनिष्ठ भक्त हैं, सेवा तो करते हैं, मठ में रहते हैं, मंदिरों में रहते हैं, सेवा करते हैं, परंतु उनकी उन्नति क्यों नहीं होती है, उनकी उन्नति क्यों नहीं होती है। बड़े अच्छे ही प्रश्न है या सुनने लायक है। बाबा जी महाराज बोलते हैं, द्वेषी संग बलवान थाकले शीघ्र ही कनिष्ठ अधिकार क्षय है या कर्म अज्ञान अधिकार प्रबल है। जो अभी मैंने बताया आपको
कि द्वेषी, जिनके अंदर कामना, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, जिन व्यक्तियों के अंदर, जिन वैष्णवों के अंदर, जिन साधुओं के अंदर भरा हुआ है, ऐसे व्यक्तियों का संग करके, कभी भी संग करने से क्या होगा, वह उसके अंदर वही बलवान होगा, वही उसके अंदर आएगा, बलवान होगा और शीघ्र जो कनिष्ठ अधिकारी है वह नाश हो जाता है। कनिष्ठ अधिकारी जो है वह नाश हो जाता है और क्या करता है, कर्म ज्ञान अधिकार प्रबल हो जाता है। जो कर्म ज्ञान अधिकार प्रबल हो जाता है वह क्या करता है, कनिष्ठ अधिकार को छोड़ करके वह संसार में जा करके पड़ जाता है, संसार में गिर जाता है। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जिनके पास बुद्धि है अपने अंदर, वह ऐसे कामी क्रोधी लोभी मोह मत्सर मद वाले जो साधु हैं, जो वैष्णव हैं, ऐसे का संग नहीं करेंगे, जिनसे दूर रहेंगे, ऐसों का संग करके अपना कनिष्ठता नष्ट कर देते हैं और बाद में क्या होता है, वह संसार में चले जाते हैं, संसार में शादी करके कर्म अधिकार में फंस जाते हैं। और वो जो जिनका संग करते हैं वो लोग क्या बोलते हैं, वैष्णव अपराध किया इसलिए संसार में चला गया, वैष्णव चरण में अपराध किया, खुद को बहुत बड़े वैष्णव बनते हैं, खुद वैष्णव चरण में अपराध किया संसार में चला गया, खुद के अंदर कभी झांक करके देखे नहीं कि हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार मत्सर भरा हुआ है, इसको हम दूर करें, दूसरे को हम सुधारने चलते हैं, अपने को सुधारो ना पहले, उसके बाद दूसरे को सुधारने चेष्टा करो। इसलिए हमारे जो छोटे वैष्णव हैं, जो कनिष्ठ वैष्णव आते हैं मठ में, वह हमारे आचरण को, हमारे व्यवहार को, हमारे चरित्र को, हमारी कुबुद्धि को देख करके उनका पतन हो जाता है और संसार में चले जाते हैं। इसी कारण से और कोनो कोनो स्थाने अधिकार उन्नतो है ना और छयो है ना, और किसी किसी स्थान पर किसी किसी कनिष्ठ वैष्णव का बता रहे हैं, वहां पर उनका अधिकार उन्नति भी नहीं होती है और नाश भी नहीं होता है। जब उन्नति भी नहीं होता, नाश भी नहीं होता, बीच में फंसे रहते हैं, तो बीच में फंस करके फायदा क्या, उन्नति तो करना पड़ेगा। इसलिए जो शुद्ध साधु हैं उनका संग करना बहुत जरूरी, नहीं तो फिर उन्नति करना मुश्किल हो जाता है। नित्यानंद प्रश्न करते हैं, कौन कौन स्थले, मतलब कौन कौन से स्थान पर या प्रयोग होता है या देखा जाता है, उसके विषय में हरिदास बाबा जी महाराज बताते हैं। जे स्थले साधु समागम व द्वेषी समागम संबल से स्थले खय उन्नति किसु देखा जाए ना। वाह, कितनी बढ़िया चीज बता रहे हैं। जहां पर यानी जिस स्थान पर साधु समागम भी होता है, अद्वेषी जो मात्सर बुद्धि वाले लोग वैष्णव हैं उनका भी समागम रहता है, तो दोनों का समागम यहाँ पर होता है, दोनों का एक समान होता है, वहाँ पर उनकी न उन्नति होती है और न ही क्षय होता है, उन्नति भी प्राप्त नहीं कर सकते और क्षय भी नहीं कर सकते। नित्यानंद प्रश्न करते हैं, कौन स्थल निश्चिंत निश्चय उन्नति, किस स्थान पर उन्नति होती है, इसके विषय में बाबा जी महाराज बता रहे हैं कि जे स्थले अधिक साधु समागम एवं अल्प द्वेषी संघ से ही स्थले शीघ्र उन्नति। जहां पर ज्यादा से ज्यादा साधु समागम, शुद्ध वैष्णव का समागम, शुद्ध वैष्णव के संग, शुद्ध वैष्णव के मुख से हरिकथा, शुद्ध वैष्णव के संग में रह करके उनका आचरण, उनका व्यवहार,
उनका चरित्र, ये सब चीज जब दर्शन होता है और शास्त्र श्रवण करता है, शास्त्र की हरिकथा सुनता है, तब और बता रहे हैं अल्पद्वेषी संग, जहां पर चारों तरफ से विद्वेषियों का संग भर संग हो, वहां पर अगर कोई ऊपर उठना चाहे तो वहां पर कोई ऊपर नहीं उठ सकता। इसलिए बता रहे हैं जहां पर थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, एक दो विद्वेषी लोग हो चलेगा, लेकिन जहां पर पूरा समाजी विद्वेष है वहां पर उसका क्षय होना निश्चित है। यही इसलिए बता रहे हैं जहां पर थोड़ी सी, थोड़ा सा द्वेषी लोगों का संग है वहां पर शीघ्र ही उसकी उन्नति हो जाती है, लेकिन जहां पर चारों तरफ से पीछे पड़ने वाले लोग हैं, विद्वेषी लोग हैं, जो मत्सर्य बुद्धि वाले लोग हैं, सब समय निंदुक लोग हैं, ऐसे स्थान पर रह करके कभी भी किसी का उन्नति नहीं हो सकता, चाहे लाख कोई ऊपर उठ जाए। नित्यानंद प्रश्न करते हैं, कनिष्ठ अधिकारी देर पाप पुण्य प्रवृत्ति की रूप, जो कनिष्ठ अधिकारी व्यक्ति हैं उनका जो पाप है पुण्य है, जो प्रवृत्ति है पाप पुण्य में, पाप और पुण्य में जो प्रवृत्ति है, जो लगे रहते हैं, वह किस प्रकार से है, उसके विषय में मुझे बताइए। तब बाबा जी महाराज बता रहे हैं, प्रथमावस्था कर्मी ज्ञानी दिगिर न समान। पहले वह क्या होते हैं, जब वो सदगुरु आश्रय ग्रहण करते हैं, पहले वो जब साधु संग करते हैं और श्रद्धा विश्वास उत्पन्न होता है, भक्ति उत्पन्न होती है सदगुरु चरण आश्रय लेकर के, तो उस समय बता रहे हैं कि पहले वह पहली अवस्था में, जिस अवस्था में वह थे, तो उस समय वह कर्मी और ज्ञानी लोगों की तरह समान थे। जब तक वह थे, जतो भक्तिर प्रति उन्नति है तत्व तो ही पाप पुण्य वृत्ति दूर है, और जब वो सदगुरु शुद्ध वैष्णव सदगुरु चरण आश्रय ग्रहण करके भक्ति के प्रति उन्नति करते हैं, जितना दूर वह उनकी उन्नति होती है उतना दूर ही उनके पाप पुण्य दूर होते हैं, नाश होते हैं। भगवत परितोष प्रवृत्ति प्रबल है, और जितना दूर उनके पाप वृद्धि जाएगी, नाश होगी पाप प्रवृत्ति, और भक्ति में उन्नति होगी, उतना ही दूर भगवत भगवान की संतोष के लिए, भगवान के संतोष विधान के लिए प्रवृत्ति जन्मेगी, प्रबल होती है। नित्यानंद प्रश्न करते हैं, प्रभो कनिष्ठ अधिकारी कथा बुझिलम, एखन मध्यम अधिकारी मुख्य लखन आज्ञा करो। बता रहे कि मैं अभी तक कनिष्ठ अधिकारियों की जो लक्षण है वो मुझे समझ में आया, लेकिन अब जो है आप मुझे जो मध्यम अधिकारी हैं उनके विषय में उस बताइए। अब मध्यम विषम के अधिकारी के विषय में हम कल बताएंगे। वंचा कल्पतरुभस्य कृपा सिंधु वियुच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। आप लोगों से प्रार्थना करबद्ध कि आप लोग पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावें और ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की कोशिश करें, और अपने आसपास के लोगों को या अपने बंधु बांधवों को अपने ग्रुप में शेयर करें यूट्यूब को, और लोगों को बोलें कि सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि क्योंकि भगवान भक्ति या भगवान का कथा सुनना कोई चाहता नहीं है, उनको प्रेशर देकर कराना पड़ता है। इसलिए आप लोग जब तक प्रेशर देकर थोड़ा सा कराइए कि सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, आरती होती है मंदिर से, हरिकथा होती है, श्रवण करो, हमारा ही मंगल होगा। इसलिए जरूर आप लोग शेयर करें, लोगों से बताएं। हरे कृष्ण।